हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में स्टारबक्स तो पता नहीं कब आएगा, और सबको स्टारबक्स इतना पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना स्टारबक्स को ही रिक्रिएट किया जाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टारबक्स की बनाना नट ब्रेड, जिसमें सबसे पहले तो आपने ले लेने हैं बनानास। हम लेंगे 3 to 4 बनानास और हम कर लेंगे इनको मैश। मैश करने से पहले मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। इसमें जाएगा 1/2 कप बटर, बटर जो है आपका सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद जाएगा 1 egg। उसके बाद हमने लेनी है शुगर, जो कि इन टोटल हमें 1/2 कप चाहिए। तो मैंने 1/2 कप 1/4 कप जो है वो वाइट शुगर यूज़ की है, 1/4 कप इसमें ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ मैं। आप वाइट शुगर भी ले सकते हो। उसके बाद 1 कप आपने वॉलनट्स ले लेनी है, जिसको मैंने 1/2 डिवाइड कर लिया है। 1/2 teaspoon इसमें वनीला एसेंस है, 1/4 teaspoon इसमें सिनेमन पाउडर है, 1/2 teaspoon आपने बेकिंग सोडा लेना है, 2 teaspoon इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, और ये ओट्स लिए हैं मैंने ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हम, और 1/4 teaspoon हमारा सॉल्ट जाएगा जो कि 1 pinch के अराउंड होता है। अब चैलेंजी, सबसे पहले हम अपना ओवन प्री हीट पे लगा लेते हैं। 180 पे मैंने सेट कर दिया और इसको हमने कर देना है 15 मिनट्स के लिए ऑन। अब इसको कर लेते हैं मैश। आपने कोई भी फोर्क लेना है, उससे अपने बनानास को मैश कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें डालना है 1/2 teaspoon वनीला एसेंस। अब जाएगा इसमें 1 pinch of salt, 1/2 teaspoon इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, 2 teaspoon बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, आप में से जिसने भी स्टारबक्स ट्राई किया है ना, आई एम श्योर यू गाइस विल डेफिनेटली लव इट। और जिसने नहीं किया ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास रेसिपी है, आप घर बैठ के इंजॉय करें। अच्छा जी, तो अब इसमें आपने लेना है 1.5 cup मैदा, जो ग्रेजुअली डालना है हमने थोड़ा थोड़ा करके। मैंने 3x8 का लोफ पैन ले लेना, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे चारों साइड इसकी।
जी, तो ज़बरदस्ती ब्रेड जो है हमारी बेक हो गई है। इतनी प्यारी स्मेल आ रही है कि मुझसे वेट ही नहीं हो रहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी इसको खा लूँ। तो अभी इसको थोड़ा सा हमने ठंडा करना है और उसके बाद इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं।